नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत। दोस्तों, ड्रिप में खाद छोड़ने के दो तीन तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है स्प्रे पंप। ये तरीका आप जानते होंगे, लेकिन आज हम ये तरीका नहीं देखने वाले हैं। इस पंप का और ड्रिप में कनेक्शन कैसे करना है ये देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे कनेक्शन करना है। दोस्तों, इसके लिए हम स्प्रे गन का हैंडल वाला पोर्शन नहीं लेंगे, इसको हम खोल के रख देते हैं यहाँ से। दोस्तों, स्प्रे पंप का खाली ये पाइप हम यूज़ करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कनेक्शन। दोस्तों, ड्रिप लाइन से हमने एक कनेक्शन लिया हुआ है। इसमें एक एडजस्टमेंट करना है हमें, एंड पे जॉइनर लगाना है। और हमारा स्प्रे का ये पाइप, बस इन दोनों को कनेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, इन दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए हम सिंपली इन रबर के पाइप का यूज़ करने वाले हैं। ये आधा इंच का पाइप है, रबर का पाइप है। ये हमें जितनी लंबाई में चाहिए उतना कट कर लेना है और सिंपली बस इसमें इसे फंसा देंगे। दोस्तों, जॉइनर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि रबर का पाइप अच्छे से ग्रिप ले लेगा और प्रेशर आने पे निकलेगा नहीं। इसी तरह ये साइड भी लगा देंगे। हमारा कनेक्शन हो गया, तो चलो दोस्तों इसको टेस्ट करके देखते हैं ये प्रेशर हैंडल कर पाता है या नहीं। वैसे तो ये ले लेता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने पंप में पानी भी भर लिया है और ड्रिप भी चालू कर दिया है। अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं। एक बात बतानी रह गई थी, आप यहाँ पे वॉल भी लगा सकते हैं, मैंने अभी लगाया नहीं। तो चलो पंप स्टार्ट करते हैं। ये दो मोटर वाला पंप है, पहले एक ही मोटर चालू करते हैं। तक तो ओके, चलो दोनों मोटर स्टार्ट करते हैं। अभी तो ये जॉइंट काम कर रहा है और इसको रिमूव करना भी बहुत आसान है, बस पाइप को खींच लेना है और ये निकल जाएगा। आप पंप को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।